Today we are going to start our chapter of class 1st subject EBS, chapter number 6, our house. Now tell me student, what is house? House kya hota hai? House is, it protect us from, jo hume protect karta hai, kise protect karta hai? From heat, cold, storm, thieves. Aap agar ghar mein nahi rahoge to aap जब ठंड पड़ती है तो ठंड के मारे आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी. अगर आपको आपके पास कोई प्रोटेक्शन कोई शील्ड नहीं होती है ना, शील्ड होनी बहुत जरूरी होगी. बिकॉज बिना शील्ड के तो आप कोल्ड या समर या स्टॉर्म आता है तो आपके आप उसके लिए आपको क्या चाहिए? हाउस चाहिए. ओके, सो हाउस इज द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली. और हाउस में आप किसके साथ रहते हैं? विद आवर फैमिली. अब आपकी फैमिली किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है, किसी की जॉइंट फैमिली होती है, किसी की लार्ज फैमिली होती है. तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है? फॉर हाउस. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स. अगर आप बाहर रहोगे तो एनिमल्स भी होते हैं, थीव्स भी होते हैं, या फिर रेन आ सकती है. ओके, सो फॉर दिस वी वॉन्ट वी आपको क्या चाहिए? हाउस की नीड होती है. ओके, सो वी हैव अ हाउस. क्या होता है वो हमने जान लिया कि हाउस हमें क्यों चाहिए. अब हाउस के भी टाइप्स होते हैं. वी हैव टू टाइप्स. टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? वी हैव टू टाइप्स. अभी आपके पास कितने टाइप्स है? टू. फर्स्ट इज टेम्पररी. टेम्पररी हाउस. एंड देन सेकेंड इज परमानेंट हाउस. परमानेंट. ओके स्टूडेंट, अब टेम्परेरी हाउस क्या होता है और परमानेंट हाउस क्या होता है हम ये जानेंगे. पर टेम्परेरी क्या होता है? जो कुछ समय के लिए होता है, मीन्स जो कच्चा होता है. आपने कच्चा हाउस देखोगे इन ओल्ड, आपको कच्चा हाउस कहाँ मिलेंगे? विलेजेस में मिलेंगे. आपका ननिहाल होता है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी ननिहाल कहाँ होते हैं? विलेज में होते हैं. ओके, तो विलेज में आपको सबसे ज्यादा कौन से हाउस दिखाई देंगे? टेम्परेरी कच्चा हाउस. ओके, जो किससे बने होते हैं? मड, रेन, ग्रास और स्ट्रॉ से. मड जो मिट्टी होती है गीली, वो जो सूखी ग्रास होती है वो उसे बने हुए होते हैं. ओके, दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेज. वो मोस्टली किसमें फाउंड होते हैं? विलेज के अंदर फाउंड होते हैं. तो आपका जो टेम्परेरी हाउस है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? कच्चा हाउस. कच्चा हाउस. और इसके कितने पॉइंट्स होते हैं? ये किससे बना होता है कच्चा हाउस? किससे बना है? मड, रेन, ग्रास एंड स्ट्रॉ. ये तो हो गया आपका टेम्परेरी हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस होता है. और वो किससे बना होता है? मड, रेन, ग्रास एंड स्ट्रॉ से. ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट हाउस, जिसको और हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस. पक्का हाउस. अब पक्का हाउस क्या? पक्का हाउस कहाँ होते हैं? इन टाउन एंड सिटी. आपको पक्का हाउस कहाँ मिलेंगे? जहाँ आप रहते हो सिटी के अंदर या किसी टाउन में आपको मिलेंगे. परमानेंट हाउस, पक्का हाउस वो होते हैं जो किससे बने होते हैं? ब्रेक से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं. यहाँ पे जो आपके टाउन और सिटी में सबसे ज्यादा हाउस किससे बने होते हैं? स्टोन से. ओके, सीमेंट यूज की जाती है, स्टोन यूज किए जाते हैं और ब्रिक्स यूज किए जाते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन सिटी. तो अभी किसके बने होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट,
good home must have window to let in fresh air and sunlight. We must keep our home clean and tidy. अब आपने होम को बना लिया है, ओके? आपके होम में क्या होती है? विंडोज होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो नेचुरल एयर है, फ्रेश एयर घर के आपके हाउस के अंदर आनी चाहिए. अगर वो घर के अंदर आएगी, हाउस के अंदर आएगी, तो आप क्या लोगे? फ्रेश ब्रीथ कर पाओगे. इसीलिए हमें हाउस में क्या रखनी चाहिए? विंडोज रखनी चाहिए, और उसकी वजह से हमारे पास फ्रेश एयर भी आती है एंड सनलाइट भी आती है. बिकॉज आपको सनलाइट लेनी भी जरूरी होती है और फ्रेश एयर भी, ओके? और जहाँ आप रहते हो उसको आपको क्या रखना चाहिए? क्लीन. अगर आप क्लीन नहीं रखोगे तो यू बिकम अ सिक. अगर जहाँ गंदगी, जहाँ डर्टी होता है, कुछ भी होता है, क्लीन नहीं होता है, तो आप क्या हो सकते हो? सिक हो सकते हो. सो यू हैव टू कीप योर होम क्लीन एंड टाइडी. आवर हाउस हैज मैनी डिफरेंट रूम्स. अब आपका हाउस है तो हाउस कोई बिग बनाता है, कोई स्मॉल बनाता है. सबकी अलग अलग वैरायटी होती है, पर उसके अंदर, हाउस के अंदर भी क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम. बिकॉज जहाँ आप स्लीप करते हो वहाँ खाना थोड़ी ना बना सकते हो, है ना? तो आपके लिए क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं. सो फर्स्ट इज ड्रॉइंग रूम. अब आपका ड्रॉइंग रूम किस लिए काम आता है? हियर वी वेलकम आवर गेस्ट. जो आपका ड्रॉइंग रूम होता है, जहाँ क्या लगाते हैं? सोफा लगाते हैं, टेबल लगाते हैं. वहाँ आप किसको इनवाइट करते हैं? और योर, आपके गेस्ट आपके घर आते हैं तो आप उनको कहाँ बैठाते हो? योर ड्रॉइंग रूम, ओके? नेक्स्ट किचन, मोस्ट इम्पोर्टेंट. जहाँ आपकी, आपको जब आपका टमी खाली हो जाता है, उसको नीड होता है फूड का, तो आप कहाँ जाते हो सबसे पहले? होम में सबसे पहले कौन से रूम में जाते हो? इन योर किचन. हेल्दी एंड डिलीशियस फूड. वहाँ पे डिलीशियस फूड कुक होता है आपके लिए, तो वो कहाँ होता है? इन योर किचन. नाउ बेडरूम. बेडरूम के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जहाँ बेड होता है वहाँ क्या होती है? स्लीप होती है. मीन्स आप वहाँ सोते हो. वी स्लीप इन द बेडरूम. नाउ नेक्स्ट बाथरूम. बाथ आ गया, मीन्स नहाना. जब वी टेक बाथ इन द बाथरूम. आप कहाँ बात करते हैं? इन योर बाथरूम, ओके? सो आवर ड्यूटीज, ये तो हमारा, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? हाउस. हाउस इसके लिए होते हैं, फॉर योर प्रोटेक्शन. देन वी विल रीड टाइप्स ऑफ हाउसेस. उसके अंदर हमें टू टाइप्स पढ़े हैं. फर्स्ट इज टेंपरेरी एंड सेकंड वन इज परमानेंट. देन वी लर्न हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम. डिफरेंट रूम होते हैं वो हमने पढ़े. नाउ आवर ड्यूटीज. हमारी ड्यूटी क्या होती है? कीप आवर होम नीट एंड क्लीन. आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या होती है? आपको आपका घर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. आप अगर आप टॉयज निकालते हो खेलने के लिए, आफ्टर प्लेइंग दैट यू हैव टू पुट इन दैट प्लेस ओनली. आप जहाँ से उठाते हो आपको वहीं रखना है. ग्रो सम प्लांट्स इन एंड अराउंड आवर हाउस. आपका जो घर का आस पास के जो एरिया या आपके घर के बाहर, आपको क्या लगाना चाहिए? प्लांट्स लगाने चाहिए. बिकॉज उसकी शेडो आपके पास रहेगी, आपके पास क्या आएगी? फ्रेश एयर आएगी, ओके? तो आपके हाउस के एरिया के पास या हाउस के पास आपको क्या लगाना चाहिए, क्या ग्रो करना चाहिए? प्लांट. कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. जहाँ से जो उठाते हैं उसे वहाँ ही प्रॉपर प्लेस पे वापस रखना है यूज करने के बाद, ओके? नाउ यू हैव टू ओपन योर पेज नंबर 26, ओके? नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 26. नाउ वी विल रीड अवर चैप्टर. यू हैव टू पुट योर फिंगर ओवर हियर, ओके? आवर चैप्टर नेम इज आवर हाउस. हाउस is the place where we live with our family. It protects us from heat, cold, wind, rain, animals and thieves. Then types of house. First is temporary or kacha house. From temporary house ko kya bolte hain? Kacha house. And second one is permanent house. Isko hum kya bol sakte hain? Pakka house. Now
come to page number 27. Temporary or kacha house are made of mud, green grass and straw. They are mostly found in village. Permanent or pakka house are made up of brick, cement and stone. They are mostly found in cities. A good home must have windows to let in fresh air and sunlight. We must keep our home clean and tidy. Our house has many different rooms. First one is drawing room, where we welcome our guests. Second one is kitchen. Healthy and delicious food is cooked here. Now third one is bedroom. We sleep in the bedroom. Now fourth one is bathroom. We take bath in the bathroom. Now turn your page number, come to page number 28. Now our duty. Keep your home neat and clean. Grow some plants in and around our house. Keep things at their proper place. Okay? You have to do your difficult words and your exercise will be sent you on your WhatsApp. And you have to read that chapter at your home twice. Okay? With spellings. Thank you.